Hello everyone, I am Dr. Zainab and welcome to my YouTube channel Pharma Medical Care. आज की इस वीडियो में बात होगी घर में यूज होने वाली कॉमन स्पाइस सिनेमन के बारे में, जिसको दारचीनी भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम दारचीनी के मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। आपने YouTube पर लात तदात वीडियोस देखी होंगी सिनेमन के फायदों के हवाले से, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी जिससे आपको बहुत फायदा होगा। So without any further delay, let's get started and let's dive right in and discover why cinnamon is more than just a tasty treat. Cinnamon ना सिर्फ खानों में डलने वाला मजेदार सा flavor enhancer है, बल्कि ये अपने अंदर बहुत से health benefits भी carry करता है। Cinnamon rolls तो आपने देखे होंगे, ये rolls अपने अंदर बहुत से medical benefits लिए roll नजर आते हैं। Cinnamon का इस्तेमाल किचन में अभी से नहीं, कई सदियों से होता चला आ रहा है। किसी स्पेसिफिक डिटेल में जाने से पहले चीदा चीदा ये जान लेते हैं कि सिनेमन के अंदर ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है। सिनेमन को खास तरह के पेड़ों जो सिनामोमम जीनस से बिलोंग करते हैं उन ट्रीज से लिया जाता है। इसको यूजुअली दरख्तों की छाल या बार्क से हासिल किया जाता है। इसके अंदर लातदात मेडिसिनल कंपाउंड पाए जाते हैं जैसे की सिनेमल्डिहाइड, और इसी कंपाउंड की वजह से दारचीनी में एक खास तरह की खुशबू पाई जाती है जो इसे बाकी स्पाइसेस से अलग बनाती है, और ये कंपाउंड आपकी हेल्थ को प्रमोट करने का काम करता है। नंबर वन, पहला और सबसे अहम मेडिकल बेनिफिट ऑफ सिनेमन ये है कि सिनेमन की पोटेंट यानी काफी ऊंचे दर्जे की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। बॉडी में जब मुख्तलिफ बीमारियां होती है तो बॉडी में या बॉडी ऑर्गन्स में जनरल सोजिश हो जाना एक आम सी बात है। ये सोजिश या इन्फ्लेमेशन आप समझिए हमारे इम्यून सिस्टम का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। स्टडीज से बात अप्रूव है, सिनेमन आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है, और इसका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों से छुटकारा भी देता है जैसे कि आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज एंड दीगर तरह के कैंसर। नंबर टू, सबका मनपसंद फायदा, वो है वेट लॉस। हाँ जी, सिनेमन विसरल फैट और स्पेशली आपके पेट के इर्द गिर्द जमा चर्बी को खत्म करने का काम करता है। इसको रोजाना निहार मुंह खाने से आपके वजन में भी कमी आएगी और आपका फूला हुआ फैटी पेट भी कम होने लगेगा। आप सिनेमन का यूज ग्रीन टी के कैवे में भी कर सकते हैं एंड गेट स्लिम एंड स्मार्ट बॉडी। अब जानते हैं कि सिनेमन ये करता कैसे है। एक्चुअली सिनेमन का एक्शन बॉडी में इंसुलिन जैसा ही होता है, या आपकी बॉडी में एक्सेसिव ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, जिसके नतीजे में जब बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर होगी ही नहीं तो वो फैट की शक्ल में पेट पर स्टोर ही नहीं होगी। साथ ही साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है जो आपके पेट के इर्द गिर्द के एरिया में जमा हुआ होता है। है ना कितना अमेजिंग फायदा। नंबर थ्री, दारचीनी एज एंटीऑक्सीडेंट। दारचीनी की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम आपकी बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है। इन्हीं एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से हमारी बॉडी सेलुलर डैमेज से बचती है और हमारा एजिंग का प्रोसेस और डिजीज जैसे मसाइल भी कम होने लगते हैं। दारचीनी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, अपनी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस को बूस्ट दिलवाएं और प्रमोट करें अपनी वेलबींग। नंबर फोर, दारचीनी एज अ ब्लड शुगर रेगुलेटर। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, दारचीनी आपकी बॉडी में इंसुलिन की तरह ही काम करती है। सिनेमन आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। सिनेमन इंसुलिन के एक्शन को मिमिक करता है यानी कॉपी करता है, और ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है। इस सबसे फायदा उन लोगों का होगा जो बॉर्डरलाइन शुगर का शिकार हैं या जिनको डायबिटीज है। दारचीनी को लेने से बॉडी में मौजूद नेचुरल इंसुलिन भी अपना काम बेहतर तौर पर कर पाती है और एक एडिटिव इफेक्ट अचीव होता है, यानी 1 और 1 11, नो एक्स्ट्रा शुगर इन बॉडी मतलब नो बीमारी। नंबर फाइव, सिनेमन एज ए कोलेस्ट्रोल मैनेजर। दारचीनी आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रोल लेवल्स को मैनेज करने में बेहतरीन है। जब बॉडी में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रोल ज्यादा होगा तो हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाएगा। रिसर्च से ये बात साबित है कि दारचीनी आपकी बॉडी में LDL कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करता है, और साथ ही साथ गुड कोलेस्ट्रोल जिसको HDL कहते हैं उसकी मिकदार में इजाफे का बायस बनता है, और ये कॉम्बिनेशन आपकी हार्ट हेल्थ को भी मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करता है। नंबर सिक्स, सिनेमन एज अ माइक्रोब किलर। सिनेमन की बेहतरीन एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हिस्ट्री पर नजर डाली जाए तो कई सदियों से सिनेमन की मरहम कई वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने का काम करती आई है। इसके अंदर मौजूद एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड्स इसको हार्मफुल बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस से लड़ने में मदद देते हैं। वेल,
ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स का रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन सिनेमन को आप अपनी डाइट में ऐड करके अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 7, रेमेडी इन कोल्ड फ्लू एंड फीवर। सिनेमन को जब आप दूसरे अज्जा के साथ ऐड करके उसका कहवा बनाकर पीते हैं तो ये एक बेस्ट रेमेडी है कोल्ड फ्लू फीवर की। यू कैन ऐड सिनेमन, जिंजर, फ्यू लेमन ड्रॉप्स, काली मोटी मिर्च इन कहवा एंड योर कोल्ड विल बी गॉन। वेल, अगर अब बात की जाए कि सिनेमन को आप अपनी डेली रूटीन में कैसे शामिल करें, तो मैं ये कहूंगी पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। अपने मॉर्निंग ऑटमील पर स्प्रिंकल कर सकते हैं, अपनी टी कॉफी में ऐड कर सकते हैं, इवन चाय तो अपने डिशेज और डिजर्ट्स में भी डालकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना है। इसकी ज्यादा मिकदार से आपको एडवर्स इफेक्ट्स भी आ सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो ये रहे रिमार्केबल बेनिफिट्स ऑफ सिनेमन। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से लेकर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज तक, ब्लड शुगर रेगुलेशन से कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट तक, देखा जाए लाजवाब ही लाजवाब, यानी बेशुमार फायदे। बाकी आई ऑलवेज इनकरेज कि अपनी हेल्थ कंडीशन को लेकर पहले अपनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कंसल्ट करें, क्योंकि याद रहे नेचुरल रेमेडीज हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री ही होती हैं विद प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस। उम्मीद करती हूँ आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। If you like this video, don't forget to subscribe. Pharma Medical Care.